बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय कुकिंग फैमिली। और मेरी कुकिंग फैमिली कैसी है दोस्तों? अल्लाह पाक आपको खुश रखे और हर आफत से बचा के रखे और ढेरों खुशी दे। और दोस्तों आज की रेसिपी मैं लाया हूँ बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार। मैं कहता हूँ बच्चे बड़े घर के बहुत ही इसको पसंद करते हैं। दोस्तों आज मैं लाया हूँ बनाना का मिल्क शेक, बहुत ही टेस्टी। बनाना का जूस बहुत ही टेस्टी अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत ही यमी। इसको बनाना बहुत आसान है, घर में होममेड फ्रेश जूस बनाएंगे हम, तो इसको बनाना दोस्तों बहुत आसान है। ये कम से कम दो से तीन चीज़ों से बनाना का मिल्क शेक बन जाता है, मिल्क जूस बन जाता है। दोस्तों इसको बनाना बहुत ही आसान कर दूँगा। तो इसके लिए जो जो चीज़ें वो मैंने रेडी कर ली हुई हैं, उससे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो दोस्तों एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दें, इससे नेक्स्ट रेसिपी आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। तो दोस्तों चलें रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज बना रहा हूँ मैं बनाना का मिल्क शेक, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं 4 अदद मैंने बनाना लिए हैं, 2 अदद गिलास मैंने मिल्क के लिए हैं, चीनी ली है हसबे जायका जितनी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आइस लिया है, ठीक है, ये हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलें दोस्तों रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और ये स्पेशली उन दोस्तों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री मुझे वॉच कर रहे हैं, स्पेशल थैंक्स, शुक्रिया, मेहरबानी। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, आपके सपोर्ट का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों दूध को, दोनों गिलासों को हम इसमें डाल देंगे, कोई मसला नहीं, बिस्मिल्लाह करके, ठीक है दोस्तों। तो बाहर से बहुत ही अच्छा मिल्क शेक हमारा घर में होममेड बनकर तैयार होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, बनाना जो है हम इसको काट कर अच्छे तरीके से, ठीक है दोस्तों, इसमें डालेंगे। तो जी दोस्तों आप बनाना लेंगे, ये देखिए ऊपर से छिलकों को उतार के अच्छे तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें दोस्तों छिलकों को उतारेंगे अच्छे तरीके से, और बनाना ये देखें अच्छे तरीके से कट करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाना को कट करके हम इसमें डालेंगे, ठीक है दोस्तों। बाहर से बहुत ही अच्छा फ्रेश जूस हमारा बनाना का होममेड मिल्क शेक बनकर तैयार हो जाएगा। तो जी दोस्तों सारे बनाना मैंने काट दिए हैं, अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम चीनी को डालेंगे। चीनी आपने हसबे जायका अपने जायके के मुताबिक डालनी है, ठीक है दोस्तों। ये देखें 1, 2, 3, 4, 5 टीस्पून जो होगा ये देखें चीनी को हम डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप कम या ज़्यादा पीते हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़रूरी ये नहीं है कि मैं जिस तरह डाल रहा हूँ आप इसी तरह डालना है, ठीक है। 4 अदर बनाना में मैंने 5 टीस्पून मैंने चीनी के डाले हैं, ठीक है दोस्तों। आप क्या करेंगे, ऊपर से ढक्कन लगाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह और जूस को तैयार करेंगे। जी दोस्तों अब बिस्मिल्लाह करके इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें हमारा बनाना का मिल्क शेक, बनाना का जूस होममेड बहुत ही फ्रेश, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार है और बहुत ही हेल्थी घर का फ्रेश। तो जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो मिल्क शेक है बहुत ही कमाल का यार, बहुत ही सुपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयार हो गया। तो दोस्तों मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ गिलासों में शिफ्ट करके, दोस्तों बहुत ही सुपर, ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। इसको अभी गिलासों में हम ये देखें शिफ्ट करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो दोस्तों फ्रेश होममेड हमारा बनाना का मिल्क शेक, बनाना का जूस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार है। तो आई होप कि अगर आज की रेसिपी आप दोस्तों को लगता है कि भाई ने बहुत ही सुपर बहुत ही मज़े का हमें बनाना का मिल्क शेक
मिल्क जूस, ये देखें इसमें ऐसे ही शेक करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं। ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, वाओ मज़ेदार सुपर सुपर हमारा होममेड फ्रेश जूस, मार्केट से भी बहुत ही अच्छा, घर में बहुत ही अच्छा बन जाता है। ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं। ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको लगता है कि भाई ने आज हमें बहुत ही सुपर बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाकर हमें सिखाई है, तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ग्रुप में शेयर भी करें। जो दोस्त नहीं बना सकते वो जल्दी से झटपट तरीके से ये बनाना शुरू कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों ठंडा ठंडा कूल कूल हमारा बनाना का मिल्क जूस, मिल्क शेक हमारा बनकर तैयार है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, बर्फ़ वाला, आइस वाला, ठंडा ठंडा। तो ये उन दोस्तों के लिए गिफ्ट है जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री मुझे वॉच कर रहे हैं। स्पेशल थैंक्स, शुक्रिया, मेहरबानी, और जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करें। और आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ज़रूर मुझे बताएँ कि आज की रेसिपी कैसी लगी है। दोस्तों बहुत ही सुपर, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर एक दफ़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में किसी खास रेसिपी में। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आज की रेसिपी आप दोस्तों को कैसी लगी है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। आपकी जो हौसला अफजाई जो मेरी होती है आपके कमेंट से, बहुत अच्छे अच्छे आप कमेंट करते हैं, शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक्स। तो आप मुझे फ़ीडबैक भी दिया करें कि इसको ट्राई किया करें एक दफ़ा बनाकर, तो मुझे ज़रूर फीडबैक दिया करें, मुझे बहुत खुशी होगी। दोस्तों आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में शेयर भी करें। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सुपर बहुत ही मज़े का फ्रेश जूस होममेड बनाना का बनकर तैयार है। मिल्क शेक कह लें, मिल्क जूस कह लें, ठीक है दोस्तों। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।